गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरे अरनाथा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की साखी को पूरा ज़रूर देखिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है वह एक सत्संगी की साखी है जिसे माता रानी का स्वप्न आया और स्वप्न में माता रानी ने उसे ऐसा क्या कहा कि वह दौड़ा बाबा जी के पास गया। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है, बाबा जी के जो है हर एक जगह पर जो है सत्संग घर है, और सत्संग घर भी बाबा जी ने अपनी संगत के लिए बनाए हैं ताकि उन्हें सत्संग सुनने में कोई दिक्कत ना आए। तो सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कटरे के पास भी बाबा जी का एक सत्संग घर है और जम्मू कटरा माता रानी की जगह है। तो सत्संग जी, एक बार एक सत्संगी बाबा जी के पास आया और बोलता है कि बाबा जी, आपके हर जगह पर सेंटर है लेकिन जम्मू कटरे में आपने कोई सत्संग घर नहीं बनाया। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, जब उस मालिक की मर्जी होगी तो हम जम्मू कटरे में भी सत्संग घर बनाएंगे। हम जगह देख रहे हैं, जब हमें जगह मिलेगी तो हम वहां पर भी सत्संग घर ज़रूर बनाएंगे। और वह कहता है कि बाबा जी, हमें सत्संग सुनने में फिर दिक्कत आती है। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा, किसी चीज़ की परवाह मत करो, हमेशा ही भजन सिमरन पर ध्यान दें। जब भजन सिमरन पर आप ध्यान देंगे तो इन चीज़ों की ओर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप तो सिर्फ मालिक की रजा में रहें। बाबा जी की बातें सुनकर वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। तो सत्संग जी, वो जो था सत्संगी, उसके घर के पास कोई सत्संग घर नहीं था। उसके मन में यही था कि हमारे घर के, हमारे इलाके में भी बाबा जी का सत्संग हो, क्योंकि उन्हें सत्संग सुनने के लिए दूर जाना पड़ता था। और वह घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि मेरी आज बाबा जी से बात हुई थी। उसकी पत्नी कहती है कि बाबा जी से आपकी कहां पर बात हुई? वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मैं सेवा के लिए गया था और वहाँ पर मेरी बाबा जी से बात हुई है, और बाबा जी कह रहे थे कि मैंने उनसे जो है सत्संग घर बनाने के लिए फरमाइश की थी, और वह कहते थे कि सत्संग घर भी बनेगा जब उस मालिक की मर्जी हो। और तुम्हें तो पता है ना कि हमारे घर के पास कोई सत्संग घर नहीं है। तो उसकी पत्नी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, जब मालिक की मौज होगी तब यहाँ पर सत्संग घर बन जाएगा। आप तो सिर्फ जो है उस मालिक की रजा में रहकर जो है भजन सिमरन कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत बड़ी होती है। सत्संग जी, वह सत्संगी था लेकिन उसकी माँ ने जो है माता रानी को बहुत मानती थी, उसने जो है नामदान नहीं लिया था, और इसी कारण उसका भी माता रानी पर जो श्रद्धा थी वह भी थी, और वह माता रानी पर बड़ा विश्वास करता था और जब भी कोई त्यौहार होता था वह ज़रूर मनाता था। एक बार उसने बाबा जी से ये सवाल पूछा कि बाबा जी, क्या सत्संगी को जो है त्यौहार मनानी चाहिए? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये आपके धर्म का है, और मैं भी जो हूँ इसी धर्म को, सबके धर्म का आदर करना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है। इसी कारण वह माता रानी को भी बहुत मानता था, और एक दिन वह सिमरन कर जो है बैठा ही था कि उसकी माता जी आ गई। माता जी कहती है कि बेटा, क्या हुआ, बड़े चिंतित लग रहे हो? तो वो कहता है, माँ कोई बात नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, क्या अपनी माँ से कुछ छुपाएगा? तो वो कहता है कि माँ, मुझे सत्संग घर यहाँ पर नहीं है, यहाँ की संगत को काफ़ी दूर जाना पड़ता है, इसी कारण मुझे चिंता लगी रहती है। तो माँ कहती है कि बेटा, बस यही चिंता की बात है, कोई बात नहीं, ये जो जगह है वह माता रानी की है, और माता रानी से
जो है सच्चे मन से प्रार्थना करो तो वह तुम्हें ज़रूर ज़मीन देगी। तो वो कहती है, है सच माँ? हाँ, कहती है हाँ। और बाबा जी से तुम्हारी क्या बात हुई? तो वो कहता है कि मेरी बाबा जी से बात हुई थी। तो बाबा जी कहते हैं, अभी ज़मीन के बारे में हम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन अभी हमें ज़मीन मिल नहीं रही। तो माता जी कहती है कि बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, माता रानी हमारे साथ है। तो वह अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा सा संतुष्ट हो गया और कहता है कि माँ क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो वो कहती है किसी बात की चिंता मत करो। और रात को जब सोया तो उसे माता रानी का स्वप्न आया और कहते हैं कि बेटा तू क्यों चिंता कर रहा है? तो किसी बात की चिंता मत कर, तू जाकर बाबा जी से कह कि जो सेठ के को आपने ज़मीन के बारे में कहा था वह अब जो है ज़मीन देने के लिए तैयार हो गया है, और किसी बात की आप चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर भी बाबा जी को कहे सत्संग घर ज़रूर बनाए। वह कहता है ठीक है माँ। सुबह उठता है और अपनी पत्नी को स्वप्न के बारे में बताता है। तो उसकी पत्नी कहती है कि बाबा जी इन बातों को नहीं मानते। तो वो कहता है कि बाबा जी ने तो मुझे कभी नहीं कहा कि इस धर्म को मत माने, वह तो हर धर्म का मान सम्मान करते हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो आप बाबा जी से कहिए, और वह आपकी बात अगर मान जाते हैं तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो वो कहता है ठीक है मैं बाबा जी से जाकर बात करता हूँ। वह जाता है और देखता है कि उस समय बाबा जी जो हैं डेरे चले गए थे। और वह कहता घर आता है और कहता है कि बाबा जी डेरे चले गए हैं। तो उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं, आप भी डेरे चले जाइए। तो वो कहता है कि डेरे में बाबा जी से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जो सच्चे मन से बाबा जी से मिलने के लिए कहता है बाबा जी उन्हें कभी मना नहीं करते। ये बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और कहता है कि सच में? तो वह कहता है ठीक है मैं बाबा जी से मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगा। और वह बाबा जी से मिलने के लिए जाने लग पड़ा। और वहाँ पर जा रहा था तो वहाँ पर जब गेट पर पहुँचा और गेट पर पहुँचते कहते हैं कि बाबा जी वहीं पर हैं, बाबा जी डेरे में हैं। तो वो कहते हैं आपका क्या नाम है? तो वह अपना नाम बताता है और कहते हैं कि बाबा जी तो आपको कब से उड़ीक रहे थे, कह रहे थे कि जब वह आएगा तो उसे मेरे पास ज़रूर लेकर आना। तो वह बात सुनकर वह बड़ा हैरान हुआ और कहता है कि सच में बाबा जी मेरी राह देख रहे थे? तो वह कहते हैं हाँ हाँ बाबा जी आप ही की राह देख रहे थे। और वह दौड़ा बाबा जी के पास चला गया और बाबा जी की कोठी के पास आकर एकदम से रुक गया और कहता है अगर मैं बाबा जी को ये बातें बताऊंगा कहीं बाबा जी मुझ पर हंसने न लग पड़े, पर क्या करूं मुझे जाना तो पड़ेगा ही ना। और ये बात मानकर वह बाबा जी के पास जाने लग पड़ा। बाबा जी के पास जाता है और कहता है कि बाबा जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा कहो क्या कहना चाहते हो? तो वह कहता है कि बाबा जी कल रात मुझे माता रानी का स्वप्न आया। बाबा जी कहते हैं अच्छा तो कौन सा स्वप्न आया? तो वह कहते हैं कि वह कहते थे कि बाबा जी ने जिस सेठ के बारे में ज़मीन के बारे में पता किया है तो वह उस सेठ के पास चले जाएं, अब वह सेठ जो है आपको ज़मीन दे देगा। जब वह इस बात का बाबा जी कहते हैं कि अच्छा, तब वह कहते हैं कि मुझे पहले से पता था तुम मेरे पास आओगे और तुम्हें माता रानी का स्वप्न आया है। तो वो कहता है बाबा जी आपको इन बातों के बारे में कैसे पता? तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मुझे सब पता है। बाबा जी की बातें सुनकर वह फूट फूट कर रोने लग पड़ा। वो कह बाबा जी कहते हैं कि बेटा जब मन में सच्ची श्रद्धा हो तो सब कुछ हो सकता है।
तब वह बाबा जी की बात सुनकर रोने लग पड़ा। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं आज ही सेठ से फ़ोन पर बात करूंगा और तुम्हारे सामने ही करूंगा। जब बाबा जी ने सेठ से बात की तो वह ज़मीन के लिए जो है मान गया। ये बात सुनकर बाबा जी कहते हैं, बेटा अब किसी बात की चिंता मत करो, हमें ज़मीन मिल गई है, हम वहाँ पर जो है अब जो है वहाँ पर सत्संग घर बनाएंगे। तो वह बाबा जी की बातें सुनकर बड़ा ही खुश होता है और इतना खुश होता है कि उसके समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। बाबा जी कहते हैं, बेटा अब आराम से घर जाओ, किसी बात की चिंता मत लगाओ, बाबा मालिक तुम्हारे साथ है और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा, तुम तो ऐसे ही चिंता लगा कर बैठे हो। तो वो कहता है कि बाबा जी क्या करूं, मन मान नहीं रहा था। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब मन मान गया तो आप जाओ, अब घर जाकर आराम करो और किसी बात की चिंता मत करो, मालिक हमेशा हमारे साथ है। बाबा जी की बातें सुनकर उसे सुकून आया, घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो पत्नी भी बड़ी खुश होती है और कहती है कि जो आप चाहते थे हो गया ना, जब मन में बाबा जी के लिए और भी इच्छा रखे तो बाबा जी हमारी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करते हैं। अपनी माँ को भी बताया तो माँ कहती हैं कि बेटा जब सत्संग घर बनेगा तो तुम भी ज़रूर सेवा पर जाना। तो वो कहता है कि माँ इस बात के लिए तो मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। माँ कहती है कि बेटा ठीक है, और सत्संग जी जैसा कि आपको पता है कि जम्मू में बाबा जी का बहुत बड़ा सत्संग घर है और ऐसे ही सत्संग घर बाबा जी ने बहुत ज़्यादा जम्मू में और वहाँ पर बनाए, और जैसा कि आपको पता है कि ये सत्संग घर जो है बाबा जी हमेशा ही वहाँ पर जो है सत्संग के लिए आते हैं, और जम्मू की संगत से बाबा जी का खास प्रेम है और बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से बेहद ज़्यादा प्रेम पूर्वक भाग से रहते हैं, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से कहते हैं कि हमेशा ही मिलजुल कर रहना है, किसी से जो है कोई भी हमें गलत बात नहीं करनी। तो साथ संगत जी बाबा जी हमेशा ही हर धर्म का मान करते हैं, इसी तरह हमें भी हर धर्म का मान करना चाहिए। हर धर्म का अपना अपना विशेष स्थान है, और जब जम्मू में सत्संग घर की स्थापना हुई बाबा जी वहाँ पर खुद आए और वहाँ के सेवादारों से बात की, और सब सेवादारों ने बढ़ चढ़कर जो है वहाँ पर काम किया। सत्संग जी जब बाबा जी एक आवाज़ लगाते हैं तो सारे सत्संगी दौड़े चले आते हैं, क्यों, क्योंकि वे अपने बाबा जी से बेहद प्रेम करते हैं। तो सात संगत जी इसी प्रेम के चलते ही बाबा जी हमेशा ही जो है अपनी संगत के पास रहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी इसी तरह जो है बाबा जी का हमेशा ही हमने मान सम्मान करना है, क्योंकि बाबा जी हमसे बेहद प्रेम करते हैं और अपने जो है सत्संगियों और सेवादारों के मन में क्या चल रहा है वह हमेशा ही जान लेते हैं। तो सात संगत जी इसी तरह हमेशा ही बाबा जी की बातों पर यकीन रखकर हमेशा ही भजन सिमरन करते रहिए, क्योंकि भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और वह ही हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकालेगा, और दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस जेल खाने से बाहर नहीं लगाती। हमारे पास जितनी भी धन दौलत है वह यहीं की ढड़ी रह जाएगी, हमारे तन के वस्त्र भी हमारे साथ नहीं जाते हैं, तो उस मालिक का नाम, उस प्रीतम प्यारे का नाम ही जाता है। तो गुरु प्यारी सात संगत जी इसीलिए बाबा जी हमेशा ही हमें भजन सिमरन पर जोर देते हैं, तो हमें भी भजन सिमरन करते रहना चाहिए और उस मालिक की रजा में रहकर, हमें उस प्रीतम प्यारे की रजा में रहकर ही हमें जो है ज़िंदगी कटानी चाहिए, क्योंकि जो मालिक ने दिया है वह हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें दिया है, और
जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको मिलता जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी, और हमेशा ही उस मालिक की रजा में ज़रूर रहिएगा।